आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर नंबर वन इवान्स स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक लाइन दी गई है फिर हमें क्वेश्चन पढ़कर उसके जवाब देने हैं क्वेश्चन नंबर वन एंड दैट इज़ वाई दे कोल्ड मी मर्ड और इसी वजह से वो मुझे मर्ड कहते थे तो क्वेश्चन इसमें है वाई डिड मर्ड्स पेरेंट्स डिसाइड टू कॉल हिम बाई दैट नेम कि मर्ड के पेरेंट्स यानी माता पिता उसे इस नाम से क्यों पुकारते थे आंसर इसमें द बेबी गोरिल ड्रो पिक्चर ऑन रॉक्स एंड बास यूजिंग मर्ड द पेरेंट ऑब्जर्व दिस नेम हिम मर्ड बेबी गोरिला क्या करता था पत्थरों पर और पेड़ों की तनों पर मर्ड से यानी मिट्टी से चित्र बनाया करता था ड्राइंग बनाया क्या करता था जिस वजह से उसके माता पिता ने इसे ये देखकर उसका नाम मर्ड रख दिया वट डिड द नेम मीन टू हिम उसका इस नाम का मतलब उसके लिए क्या है द नेम मीन एवरी थिंग टू द बेबी गोरिल्ला एस इट गेव हिम आइडेंटिटी हिम हिस आइडेंटिटी इन दिस ट्रूप यानी इस नाम का नाम का बेबी गोरिल के लिए बहुत बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसने इस नाम ने बेबी गोरिला को एक पहचान दी है अपने एक झुंड में क्वेश्चन सेकेंड एंड फॉर द मोस्ट पार्ट वर

दे वर मीन टू फीड एंड सर्च फॉर फूड टू नैप एंड टू प्ले कि वो क्या करने की बातें कह रही हैं यहाँ पर बात कर रही हैं खाने खाने ढूंढने की खाना खाने की और आराम से सोने की और खेलने की क्वेश्चन थ्री गोरीला बेबीज एलिफेंट बेबीज एंड ह्यूमन बेबीज आर नोट सो डिफरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है गोरीला बेबी एलिफेंट बेबी और ह्यूमन बेबी एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है वाई डज मर्ड से दैट मर्ड ने क्यों कहा आंसर इसमें ह्यूमंस एलिफेंट एंड गोरिल्ला बेबीज आर सिमिलर एज दे हैव लार्ज फैमिलीज दे टेक केयर ऑफ देम ह्यूमंस और एलिफेंट और गोरिल्ला बेबीज जो है ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा होता है और वो उनका परिवार उनकी देखभाल भी करता है वाट इज़ द डिफरेंस ही मैंसर बिटवीन गोरिल्ला बेबीज एंड ह्यूमन बेबीज उसने गोरिल्ला बेबीज और ह्यूमन बेबीज के बीच में क्या डिफरेंस बताया है द डिफरेंस बिटवीन गोरिला बेबीज एंड ह्यूमन बेबीज इज़ देट गोरिला बेबी राइड ऑन मदर्स बैग इसमें गोरिला बेबीज जो है वो अपनी मदर की बैग में या अपन कमर पर लिपट कर सवारी करता है क्वेश्चन नंबर फोर सम हाउ आई न्यू दैट इन ऑर्डर टू लिव आई हैड टू लेट माई ओल्ड लाइफ डाई कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाना होगा वाट हैड हैपन टू द मर्ड एंड वाई मर्ड के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था मर्ड है बाई ह्यूमन्स टू बी सोल्ड एस अ पैट मर्ड को ह्यूमन्स द्वारा कैच कर लिया गया था पकड़ लिया गया था जिससे कि उसे पैट के तौर पर बेका, बेचा जा सके वाई डिड ही हैव टू लेट द ओल्ड लाइफ डाई क्यों क्यों वो अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म हो देने देना चाहता है बर्ड वुड नेवर बी एबल टू गो बैक टू द फोरेस्ट एंड वुड हैव टू लिव इन कैप्टिविटी एडमिस्ड ह्यूमन सो ही हैड टू एक्सेप्ट हीज न्यू लाइफ अब मर्ड जानता है कि वह दोबारा से फॉरेस्ट में यानी जंगल में नहीं जा सकता वो अब इंसान के साथ रहने का आदि हो चुका है अब उसे यही जिंदगी अपनानी होगी माई लाइफ ऐसा ह्यूमन वास क्वेश्चन नंबर फाइव माई लाइफ ऐस ए ह्यूमन वास एग्जिस्टिंग वन ऑल दो माई पेरेंट्स वल नॉट हैूव क्वेश्चन नंबर ए डू यू थिंक मर्ड इन्जॉय हिज लाइफ विथ ह्यूमन क्या आपको लगता है कि मर्ड ह्यूमन्स के साथ अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करता था आंसर है इसमें मर्ड वॉज फैसिनेटेड विथ न्यू एक्सपेरियंसिस हैड इन इन हिज न्यू लाइफ एंड फाउंड इट ऑल एक्साइट एक्सिस्टिंग सॉरी एक्साइटिंग तो मर्ड जो था उसे नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा लगता था उससे एक नई जिंदगी मिली थी और ये सब पाकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्वेश्चन नंबर बी वाई डज ही थिंक हिज पेरेंट वुड नॉट हैव बीन अप्रूव आंसर इसमें हिज पेरेंट्स हैड स्पेंट देयर लाइफ इन दॉरेस्ट वेयर दे सर्च फॉर देयर ओन फूड एंड लिव इंडिपेंडेंटली दे वुड नॉट हैव अप्रूव ऑफ अ गोरिल्ला डिपेंडिंग ऑन समन एज फॉर फूड एंड सेंटर ऑल हिज लाइफ उसके माता पिता जंगल में रहते हैं अपना खाना खुद ढूंढते हैं और आज़ादी से खुद जीते हैं वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो गोरिल्ला रहते हुए किसी दूसरे पर निर्भर रहें और दूसरे की शरण में रहें दूसरे पर अपनी जिंदगी निर्भर रखें क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टिल समटाइम्स आई ली अ वेक विसिंग फॉर द वोम ऑफ द अनदर जस्ट लाइक मी कभी कभार मैं जाग जाया करता था इच्छा करता कि शायद मेरे जैसा भी कोई और होगा वाई वाट डस मड मीन इन दिस लाइन इस का मतलब क्या है मड का इस लाइन से द गोरिला फेल्ट लोनली एंड मिस्ड द कॉम्पियन कॉम्पेनियनशिप ऑफ द हिज ओन ग यहाँ पर गोरिला अप, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है और एक साथी को मिस कर रहा है चाहे कोई साथी जो बिल्कुल उसी की तरह हो क्वेश्चन नंबर बी वॉस मड ट्रूली हैप्पी इन हिज लाइफ विथ ह्यूमन्स नो द गोरिला विल नॉट ट्रूली हैप्पी इन हिज लाइफ सराउंडेड ऑल दो ही एडजस्ट वेल ही बीस्ट हिज फैमिली एंड द फॉरेस्ट कि गोरिला अपनी जिंदगी से इतना खुश नहीं था ठीक है वो अपने परिवार और जंगल को मिस कर रहा था अब आ जाते हैं इसमें द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर वन है द गोरि लव टू प्ले टैग विथ हिज सिस्टर गोरिला अपनी सिस्टर के साथ टैग खेलना ज़्यादा पसंद कर, किया करता था ऑल डे लॉन्ग ही यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द रॉक्स द बाग एंड मदर्स बैग यानी पूरे दिन वो पत्थरों पर पेड़ की शाखाओं पर और अपनी माँ की कमर पर ड्राॅइंग करा कर करता थर्ड में द ह्यूमन कैप्चर मर्ड हिज सिस्टर एंड पुट दैम इन करेट ह्यूम्स ने मर्ड और उसकी बहन को पकड़कर एक करेट क्रेट में डाल दिया इन हिस न्यू लाइफ विथ ह्यूमस मर्ड वैस वेल टेकन केयर ऑफ की नई जिंदगी में मर्ड की अच्छे से देखभाल की जाती थी वेर एवर ही रिमेंबर एंड विस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ हिस ट्रोप मर्ड टोल्ड हिम सेफ नो टू थिंक ऑफ ओल्ड लाइफ इन जंगल तो यहाँ पर हमारी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और इन द ब्लैंक्स खत्म होते हैं अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिलेगा आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तक भी पहुँच पाओगे वीडियो यहाँ तक देखिए इसके लिए शुक्रिया थैंक यू हैव नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय